السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله المنعم المحسن الديان. ذي الفضل والجود والإحسان. ذي الكرم والمغفرة والامتنان. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے. سر پہ منڈلا رہا ہے اسرائیل، موت کا خوف دل پہ طاری ہے. آخرکار سب جدا ہوں گے، چار دن کی رشتہ داری ہے. یوں تو میٹھا بہت ہے جام حیات، مگر آخری گھونٹ اس کا کھاری ہے. واجب الاحترام فضیلت الاخ محترم علامہ عبد الرحمن شاہین حفظہ اللہ، میری جماعت کے مایا ناز اور قابل فخر خدیب محترم سید ستین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ، محترم ڈاکٹر نصر اللہ صاحب حفظہ اللہ، میری جماعت کے دیگر علماء، اس جامعہ کے اساتذہ علماء، ملتان کے اہل توحید بھائیوں، مسلم ماں بہنوں بیٹیوں، ہم یہاں آپ کے جامعے میں آج 20 اپریل 2018 کو آپ کی سالانہ تقریب کے حوالے سے جمع ہے، جو تکمیل بخاری کے عنوان سے آج منعقد ہوئی. استاذ العلماء علامہ محمد رفیق العصری حفظہ اللہ کا آپ نے ایک علمی اور سائر حاصل بیان بھی سماعت فرمایا، اور میں سمجھتا ہوں اس علمی گفتگو کے بعد اس طالب علم کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی. رات کا بھی کافی حصہ گزر چکا ہے اور آپ بھی تقریباً آنکھیں آدھے لوگوں کی بند ہیں، زبردستی کھولی ہوئی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں آپ کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہے. اور ابھی حضرت شاہ صاحب کا خطاب بھی باقی ہے اور انشاءاللہ فجر کی اذانوں تک مکمل ہو جائے گا.
अल्लाह ने दुनिया में हमें भेजा, ये दुनिया मंजिल नहीं है बल्कि मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता है। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग इसे मंजिल समझ बैठते हैं और फिर यही डेरे डाल देते हैं और फिर ऐसा लगता है कि जैसे हमने यहां से जाना ही नहीं। और हकीकतन इंसान बड़ी अजीब चीज है, अपनी सारी जवानी सारी सेहत दौलत को पाने के लिए गंवा देता है, दौलत पा लेता है सेहत गंवा देता है, फिर वापस सेहत को पाने के लिए वो कमाई हुई सारी दौलत उस पर कमा देता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं और फिर मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया भी ना था। और हम इसकी कोई फिक्र और कोई परवाह नहीं करते। हर शख्स की कयामत कैम हो जाती है जब वो दुनिया से रुखसत होता है। आप कयामत का इंतजार न करें, कयामत तो जब भी इंसान दुनिया से रुखसत होता है उसकी कयामत कैम हो जाती है। हम बेफिक्र हैं, उसकी तैयारी नहीं है और उस दिन के लिए हमने क्या किया है क्या करना है इसकी हमें फिक्र नहीं। और पुराने मजीद यही फिक्र दिलाता है कि एक दिन ऐसा आएगा ये हंसता बसता शहर ये हंसती बसती दुनिया तहस नहस हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, जमीन आपकी बिल्कुल चटियल मैदान नजर आएगी। यौम तुबद्दल अल-अर्ض ग़ैर अल-अर्ض, ये जमीन नहीं रहेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका नक्शा ही तब्दील करके रख दे। और अल्लाह ने अपने हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें उस दिन से डराया है। फरमाया या युहन्नास तक्कू रब्बकुम इल्ला ज़लज़लतस सा'ति शैयुन अज़ीम। ऐ कायनात के लोगों अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर जाओ जिसने कयामत के जलजले को बर्पा करना है। इल्ला ज़लज़लतस सा'ति शैयुन अज़ीम, कयामत का जलजला बहुत बड़ी चीज है। आज दुनिया में जलजले आते हैं, एक शहर में जलजला आता है महफूज रहता है, वो उसकी मदद को पहुंच जाता है। एक मुल्क में सिलसिला आता है, दूसरा मुल्क महफूज रहता है, वो उसकी मदद को पहुंच जाता है। लेकिन जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कयामत का सिलसिला बर्पा करना है वो एक मुल्क में एक शहर में नहीं। फरमाया या ज़ुलज़िलतिल अर्ض ज़िलज़ालहा وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها। فرمایا وہ زلزلہ قیامت کا زلزلہ رب العالمین جب برپا کرے گا تو پوری دنیا میں یکبارگی پوری کی پوری زمین رب العالمین ہلا کے رکھ دے گا। کوئی ملک کوئی خطہ کوئی قوم کوئی علاقہ उस सिलसिले से महफूज न होगा। जिस खित्ते का नाम जमीन है उस सिलसिले की लपेट में आएगा। इदा ज़ुलज़िलतिल अर्ध ज़िलज़ालहा वअख़रजतिल अर्ध अथक़ालहा, जमीन अपने सारे सकल अपने सारे बोझ अपने अंदर दफन सारे के सारे खजाने सभी अपनी पुष्ट पर ले आएगी। इंसान ये देखेगा मैंने कितना पैसा खर्च किया जमीन में, तेल तलाश करने के लिए, सोना तलाश करने के लिए, कोयला तलाश करने के लिए, पेट्रोल तलाश करने के लिए, लेकिन आज जमीन ये सारे खजाने बगैर किसी मेहनत के खुद ब खुद बाहर निकाल रही है। इंसान इन तब्दीलियों को देखेगा हैरान होकर के कहेगा वहा माला है, जमीन को क्या हो गया है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया यौमैन तुहद्दिथु अखबाराहा, आज ये जमीन जो तुम्हें चुप चुप नजर आती है कयामत के जलजले के बाद ये अपनी सारी खबरें बताएगी, सारी खबरें इसकी पुष्ट पर रात की तारीकी में होने वाला गुनाह, दिन के उजाले में होने वाला गुनाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन जमीन को जुबान देगा, सब कुछ उगल देगी। अल्लाहुल आलमीन इसने मेरी पुष्ट पर ये किया, यौमैदिन तुहद्दिथु अखबाराहा बिअन्ना रब्बका उहालाहा, इसलिए कि रब्बुल आलमीन ने उसे हुक्म किया होगा और ये जमीन अपने खालिक की हुक्म अदूली नहीं करेगी। बड़े बड़ों की पगड़ियां उछल जाएंगी, बड़े इज्जतों वालों की इज्जतें उछल जाएंगी, इज्जतें पामाल हो जाएंगी। दुनिया में जितने पर्दे डले हुए हैं रब्बुल आलमीन वो पर्दे चाक कर देगा। हालांकि हमारा ये अपना वजूद जिसके लिए हम कितना रुपया कितना पैसा खर्च करते हैं ये भी हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। यौमा नख्तिम अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम, फरमाया हम जुबान पे चुप की मोहर लगा देंगे, तुम्हारे हाथ बोलेंगे, तुम्हारे पांव बोलेंगे, एक एक चीज हमारे खिलाफ हो जाएगी। आज हम सारा धन दौलत किसी जिस्म पर खर्च कर देते हैं, रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्ना ज़लज़लतस्सा'ती शैय्युन अज़ीम, कयामत का ज़लज़ला बहुत बड़ी चीज है, उससे डर जाइए, उसके लिए तैयारी कीजिए, उसकी हौलनाकी का ये आलम होगा। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियातिन अम्मा अर्ज़अत, फरमाया हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे को वो कितना प्यारा होता है, माँ को दूध पीते बच्चे को अपनी छाती से जुदा करके फेंक देगी, कोई किसी की परवाह नहीं करेगा। अल्लाह के कुरान पाक ने ये भी फरमाया यौमा यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मीही व बनी व उम्मीही व अबी व साहिबतिही व बनी, हर कोई दूसरे से भागने की कोशिश करेगा। आज दुनिया में कितने रिश्ते ऐसे हैं जिनका हम पास करते हैं, क़यामत वाले दिन नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पास न करेगा। अम्मा आयशा ने एक दिन पूछा अल्लाह के रसूल से, आप मस्जिद से घर तशरीफ लाए, हजरत आयशा बेटी रो रही, आपने पूछा फरमाया मायू की के या आयशा, आयशा तुझे किस चीज ने रुलाया, क्यों रोती हो, रोने की वजह भी तो बताओ। हजरत आयशा फरमाती अल्लाह के रसूल पहले मेरे एक सवाल का जवाब दी, इसी बात की तो रोना है। फरमाया मैंने जकर को नाफ बकई, दोजख का बस ख्याल आया, दोजख का जिक्र दिमाग में आया, उसको याद किया, रोना आ गया अल्लाह के डर की वजह से, अल्लाह के खौफ की वजह से। अब सवाल क्या है, हल कल गुरून अहली तुम यौमल क़ियामा, या नबी अल्लाह, ऐ अल्लाह के सच्चे रसूल, क्या आप क़यामत वाले दिन अपने अहले खाना को आप याद रखेंगे, अपने अहले खाना को आप क़यामत वाले दिन याद रखेंगे। आपने फरमाया ऐशा अम्मा फी सलासती नवातिन ला यज़कुर अहदुन अहदा, आखिरत में तीन मकामात ऐसे हैं, तीन मकामात आखिरत में ऐसे हैं जहां कोई भी किसी को याद नहीं करेगा, हत्ता के आमना कलाल भी इमामुल अंबिया भी अपने अहले खाना को भूल जाएगा। वो तीन मकामात, एक फरमाया इंदल मीज़ान, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन मीज़ान लगाएगा, तराजू लगाएगा, नेकियां और बदियां तोली जाएंगी, जिसके बारे में कुरान ने कहा फअम्मा मन थकुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशतिन राज़िया व अम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया, उस वक्त ऐसा नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, हर बंदे को खौफ होगा,
पता नहीं मेरी नेकियां वजनी होती हैं या मेरे गुनाह वजनी होते हैं, कोई किसी को याद नहीं करे। दूसरा फरमाया इंद सिरात, जब पुल सिरात से गुजरने का वक्त आएगा उस वक्त भी ऐसा नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी को याद नहीं करेगा। तीसरा फरमाया जब नामे अमाल हाथ में पकड़ाने का वक्त आएगा कि किसी को दाएं हाथ में किसी को बाएं हाथ में, तो उस वक्त भी ऐसा नफ्सो नफ्सी का आलम होगा कि कोई किसी को याद नहीं करेगा। आज हमें इसकी कोई फिक्र नहीं, क्या होने वाला है क्या होगा किसी को कोई फिक्र नहीं। हमें अगर फिक्र है तो बस दुनिया कमाने की, ठीक है हम दुनिया से बेनियाज नहीं हो सकते, दुनिया भी आखिरत कमाने का एक जरिया जरूर है, आखिरत तक पहुंचने का एक जरिया जरूर है, इसे मंजिल समझ के ना बैठी, ये मंजिल नहीं है, ये आखिरत तक पहुंचने का एक जरिया है। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को इससे खबरदार कि वो दिन आने वाला है और ऐसा दिन आने वाला है कोई भी किसी की परवाह नहीं करेगा, हर शख्स नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा, सूरज आपके नज़े बराबर होगा, जमीन ये तब्दील हो चुकी होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दिन नाराज होगा क्योंकि क़यामत अल्लाह की नाराजगी पर कायम होगी, अल्लाह की खुशी और राजी पर क़यामत कायम नहीं होगी। क़यामत जब भी आएगी अल्लाह की नाराजगी पर आएगी, जब इस दुनिया में से अल्लाह का नाम लेने वाला ये अहले तौहीद इसमें से कोई भी नहीं बचेगा, जब कोई अहले तौहीद कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं बचेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्राफील से कहेगा मैंने जिस मकसद के लिए दुनिया बनाई थी वो मकसद अब फौत हो गया है, लिहाजा इसे रखने का कोई फायदा नहीं। आप जैसे कपड़े पहनते हैं उस वक्त तक पहनते रहते हैं जब तक ये कपड़े आपके जिस्म को ढांकते रहते हैं, सर्दी गर्मी से बचाते रहते हैं, और जब जगह जगह से फट जाते हैं आप समझते हैं अब जिस मकसद के लिए मैंने लिबास बनवाया था वो मकसद अब पूरा नहीं हो रहा, आप उतार के फेंक देते हैं, फिर आप नया सूट बनवाते हैं। आप जूता पहनते हैं जब नीचे से एड़ियां घिस जाती हैं और एड़ी आपकी जमीन से लगने लगती है और रोड़े और पत्थर और कंकर और कांटे आपकी डायरेक्ट एड़ी में लगना शुरू हो जाते हैं, चुभना शुरू हो जाते हैं, आप उस जूते को उतार के फेंक देते हैं क्योंकि अब वो आपके पांव की हिफाजत नहीं कर रहा, जिस मकसद से आपने जूता बनवाया था वो मकसद अब फौत हो गया है। अल्लाह ने जिस मकसद से ये दुनिया बनाई वो एक ही मकसद है, फरमाया मा खलक्तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नों को भी इंसानों को भी एक ही मकसद से पैदा किया, जब भी इनकी जमीने नियाज झुके तो मेरे आगे, जब भी ये सजदा करें तो मेरे आगे, गिड़गिड़ाएं तो मेरे आगे, रोए तो मेरे आगे, दस्ते सवाल उठाएं तो मेरे आगे, तलब का दामन फैलाएं तो मेरे आगे, दुनिया के बनाए जाने का एक ही मकसद है, जब तक आप रब्बुल आलमीन का ये मकसद पूरा करते रहेंगे रब्बुल आलमीन कयामत को टाले रखेगा। जिस दिन ये मकसद फौत हो गया कयामत बर्पा हो जाएगी, अल्लाह इस्राफील को हुक्म करेगा वो सूर फूकेगा। सूर भी कितनी अजीब चीज है, जब पहली मरतबा फूकेगा तो सारी हस्ती बस्ती दुनिया उजड़ जाएगी, तबाह बर्बाद हो जाएगी, फिर वही फरिश्ता उसी सूर में दोबारा फूकेगा, उजड़ी हुई दुनिया फिर से आबाद होना शुरू हो जाएगी। इंसान दुनिया में जमीन से ऐसे निकलेंगे फरमाया जैसे रेगिस्तान के अंदर बरसात के बाद खुम्बियां निकलती हैं, ऐसे इंसान निकलेंगे कब्रों से सारे के सारे इंसान। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो ऐसा कड़ा दिन बनाया है, ऐसा कड़ा दिन फरमाया कि लोगों को देखोगे कि वो ऐसे लगेंगे जैसे वो नशे में मदहोश है, नशे के अंदर है, लेकिन वमा हुम बिसुकारा, वो नशा न होगा, वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, दिखने में वो तुम्हें नशा नजर आएगा, हकीकत में वो अल्लाह रब्बुल आलमीन
सख्त अज़ाब होगा। हदीस में आता है लोग कब्रों से निकलेंगे बरहना निकलेंगे, लिबास उनके जिस्म पर नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगंबर ने जब ये बात फरमाई, सय्यदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने शर्म व हया की वजह से सवाल किया, अल्लाह के प्यारे हबीब क्या मर्द औरत इकट्ठे होंगे? आपने फरमाया आयशा बिल्कुल इकट्ठे होंगे। सय्यदा आयशा ने शर्म की वजह से दूसरा सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल क्या वो एक दूसरे की तरफ देखते होंगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया आयशा तू भी कमाल करती है, क्या पुराने पाक की आयत आपने नहीं पढ़ी नहीं सुनी जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वतरन नास सुकारा, आप लोगों को देखोगे जैसे वो नशे की हालत में मदहोश है। वमा हुम बिसुकारा, हकीकत में वो नशा ना होगा, वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, वो तो अल्लाह का सख्त तरीन अज़ाब होगा, देखने की होश ही किसे होगी, वो तो अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला होगी। फिर इसके बाद जो सबसे कड़ा वक्त आने वाला है, चूंकि अल्लाह नाराज है, कयामत अल्लाह की नाराजगी के सबब बरपा हुई, अल्लाह नाराज है, एक पीरियड गुजरेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया से सवाल करेगा, दुनिया होगी, अल्लाह दुनिया से सवाल करेगा, फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज मुल्क का मालिक कौन है? मैंने दुनिया में तुम्हें एक जिले का किसी तहसील का मालिक बनाया था, बड़ाइयां और फख्र किया करते थे, आज बताओ लिमनिल मुल्कुल यौम, आज इस मुल्क का मालिक कौन है? आज बादशाहत किसकी है? दुनिया के बड़े बड़े जब्बार किधर गए? जुल्मों बर्बरियत के पहाड़ तोड़ने वाले कहां चले गए? अल्लाह रब्बुल आलमीन ये ऐलान करेगा। हदीस में आता है अल्लाह रब्बुल आलमीन जवाब के लिए कुछ अरसे तक खामोशी इख्तियार फरमाएगा, जब कहीं से कोई जवाब न आएगा अल्लाह खुद जवाब देगा, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज कहार उस रब की बादशाहत है, सारी की सारी कायनात का अकेला मालिक और वारिस है अल्लाह रब्बुल आलमीन। हदीस में आता है आसमान को लपेटेगा, जमीन को लपेटेगा, एक गेंद की शक्ल देगा, उंगलियों में उछालेगा, पूरी की पूरी जमीन सातों आसमान उसको बॉल बनाकर उंगलियों पे उछालेगा। अल्लाह अपनी ताकत को जाहिर कि तुम्हारी हैसियत क्या है मेरे यहां, तो मेरे कानून को चैलेंज करते थे, मेरे कानून को तुम ठुकराते थे, फिर जब अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया फिर से बसाएगा, लोग जिंदा होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी अभी दूर नहीं हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया से नाराज है और उनसे हिसाब नहीं ले रहा। 50,000 साल का एक दिन है, दुनिया खड़ी है मैदान में, धूप में, कोई घुटने तक पसीने में, कोई नाक तक पसीने में, कोई सीने तक पसीने में, कोई सारे पसीने में शराबूर है, अल्लाह हिसाब नहीं लेता। यह भी एक अजीब अजाब होता है इंतजार का। आप जब कभी स्टेशन पे गए हो, एयरपोर्ट पे गए हो अपने किसी मेहमान को अजीज को रिसीव करने के लिए, और आपको टाइम बताया कि 3 बजे आ रहे हैं, आप 3:45 बजे वहां पहुंच गए, अब 3 बजे ऐलान हुआ कि गाड़ी 5 बजे आई, आपको बड़ी कोफ्त होती है, वो 2 घंटे निकालना अजाब हो जाता है। मेरे भाई 50,000 साल का एक दिन है, अल्लाह हिसाब नहीं ले रहा, और किसी में जुरत है जो अल्लाह से कहे हिसाब ले बदलूंगा, धूप पे खड़ा कर रखा है, किसी में जुरत है? जो लोग कहते हैं कि हम तो फलां पीर का दामन पकड़े हुए हैं, बस पीर साहब अल्लाह के अर्श का पाया पकड़ के खड़े होंगे, हम जाएंगे नऊज बिल्ला अल्लाह ताला को पीर जी आंख मारेंगे, बोलेंगे मेरा मुरीद है, अल्लाह कहेगा चलो जाने, ये खाते अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां नहीं चलते। वो रब अपना आप मनमाना जानता है, सारी कायनात खड़ी है, उसमें अंबिया भी है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हिसाब नहीं है। लोग परेशान, अभी ये मसला नहीं,
कि दोजख से कैसे बचना है, जन्नत में कैसे जाना है। अभी तो ये मसला है कि हिसाब कैसे शुरू होगा, हिसाब ही नहीं। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं सारी की सारी कायनात आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएगी, नूह अलैहिस्सलाम के पास, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, सारे अंबिया से होते होते ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएगी। ईसा अलैहिस्सलाम उन सबको मेरे पास भेजेंगे, सारी कायनात आकर मुझे दरख्वास्त करेगी। फरमाया मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे सीना तान कर रब्बुल आलमीन से ये नहीं कहूंगा ऐ अल्लाह इनका हिसाब क्यों नहीं लेता। फरमाया मैं सर सजदे में डालूंगा, अपना सर सजदे में डालूंगा, जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन को मंजूर होगा मैं सजदे में रहूंगा। अल्लाह मुझे उस वक्त वो दुआएं सिखलाएगा जो आज मुझे वो दुआएं याद नहीं, उसी वक्त रब्बुल आलमीन मेरी जुबान पे वो दुआएं जारी करवाएगा। मैं दुआएं करता रहूंगा, दुआएं करता रहूंगा, हत्ता के अल्लाह की रहमत के समंदर में एक तलाजम बरपा होगा, अल्लाह की रहमत के समंदर में जोश आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का समंदर जब जोश खाएगा अल्लाह को तरस आएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा इरफा रासक या मुहम्मद, ऐ महबूब अपने सर को उठाइए, हाथ फैलाइए, दामन फैलाइए, झोलियां भर दी जाएगी सल तोता। आप सवाल करके तो देखें आपकी मुरादें पूरी कर दी जाएंगी, इसलिए कि आज इस पूरी की पूरी कायनात में आपसे बेहतर मांगने वाला कोई नहीं और मुझसे बेहतर देने वाला कोई नहीं। अल्लाह के रसूल मांगेंगे, उम्मत की खैर मांगेंगे, उम्मत की भलाई मांगेंगे, अरे उस वक्त भी रहमत आलम के परचम चले आओगे तो आज से क्यों नहीं आदत डाल लेते। आज से आ जाइए, छोड़ दीजिए अपने अपने एक एक इंच की मस्जिदें, एक एक ईंट की मस्जिदें छोड़ दीजिए, अपने खुद साख्ता मसलक छोड़ दीजिए, मुहम्मदी परचम चले आज से जमा हो जाइए। इंशाअल्लाह दुनिया में भी बेड़ा पार होगा, आखरत में भी बेड़ा पार होगा। रहमत आलम ने खुद फरमाया जन्नत का रब्बुल आलमीन ने कोई भी दरवाजा रब्बुल आलमीन ने ऐसा नहीं बनाया जिसे आमना के लाल के सिवा कोई खुलवा सके, ऐसा नहीं है। कंटेनर पे कहते रहते हैं लोग ईशा का नाबुद ईशा का नस्तरीन, और जब कंटेनर से उतरते हैं बहिश्त की गली में से गुजर के आ जाते हैं, फिर जब मौका लगता है पिरनी भी भगा के ले जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है ऐसा कोई दरवाजा बहिश्त का नहीं है जो आमना के लाल के सिवा कोई खुलवा सके। हमारी यही एक दावत होती है, हमारी कॉन्फ्रेंसों का, हमारे जलसों का एक ही मकसद होता है कि लोगों अल्लाह को कोई भी अमल पसंद नहीं है सिवाय मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल। आपने जो कहा, आपने जो फरमाया, आपने 23 साल जिंदगी आपके दौर नबूवत में 23 साल जिंदगी में जो कुछ सहाबाए किराम के सामने आपने अपना उसवा पेश किया, अल्लाह उसी के बारे में कहता है लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, वरना कियामत के दिन अगर ये नमूना आपके पास नहीं है अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके अमल की तरफ देखेगा। लोग कहते हैं हमने बड़ी बड़ी 20वीं अब रमजान आने वाला है अब झगड़े शुरू हो जाएंगे कि हम तो 20 पढ़ते हैं तुम तो 8 पढ़ते हो, तुम तो कम पढ़ते हो। बल्कि इस दफा बोर्ड पर भी ये सवाल आया तो कबूकारवी ने कहा कि हम तो 20 पढ़ते हैं, कयामत का दिन होगा हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहेंगे हम तो 20 पढ़ते हैं। अल्लाह कहेगा ठीक है, अगर 20 हुई तो अल्लाह कहेगा ठीक है, लेकिन तुमसे पूछेगा बाकी 12 लाओ तुम कहां से लाओगे, तुम कहां से लाओगे। और अगर 8 हुई अल्लाह हमसे कहेगा त्रावियां तो 8 पढ़नी थी तुम 20 पढ़ते रहे, हम कहेंगे अल्लाह हमारी 12 वापस कर। हमारा मसला तो आसान है,
तुम्हारी फातिहा के क्यों नहीं आती? अगर कयामत वाले दिन अल्लाह ने पूछ लिया फातिहा तो मैंने फर्ज की थी, अहले हदीस तो पढ़ते हैं, तुम नहीं पढ़ते हो, उस वक्त तुम कहां से लाओगे? उस वक्त फातिहा कहां से लाओगे? और अगर नहीं पढ़नी थी तो तुम्हारा जवाब हम देते कि हमारी फातिहा वापस कर। अल्लाह शाह साहब को जजाए खैर दे, मुझे लुकमा दे रहे हैं, अल्लाह उनको जजाए खैर दे। बारह एक देखिए, एक शख्स ने मिसाल पेश की कि देखो आपके सामने अगर दो बटवे रख दिए जाए, एक लाल एक हरा, और आपको बता दिया जाए कि इस बटवे में 20,000 रुपए हैं लाल वाले में और हरे वाले में 8,000 रुपए हैं, और आपको इख्तियार दे दिया जाए कि दोनों में से एक बटवा आपका हो, आप जिसको चाहे उठा लें, तो मुझे कहने लगे ईमानदारी से बताइए आप कौन सा बटवा उठाएंगे? मैंने कहा 20,000 वाला उठाऊंगा। तो बोले पैसों की बात आई तो 20,000 वाला, और नमाज की बात आई तो 20 पढ़ते हुए मौत आती है। मैंने कहा देखिए एक और बात, यही सवाल मैं आपसे करता हूं, जो बात आपने मुझे नहीं बताई मैं वो बात भी आपको बताता हूं, फिर आप मुझे इस सवाल का जवाब दें। बोले क्या बात नहीं बताई? मैंने कहा मैं वही दोनों बटवे आपके सामने रख देता हूं, लाल भी हरा भी, 20,000 वाला भी 8,000 वाला भी, और आपको बता भी देता हूं कि इसमें 20,000 है इसमें 8,000 है, और आपको इख्तियार भी दे देता हूं जिस तरह आपने मुझे दिया है। लेकिन एक बात जो आपने मुझे नहीं बताई वो बात मैं आपको बताता हूं, वो ये कि अगर मैं ये बता दूं कि 20,000 वाले नोट नकली हैं और 8,000 वाले असली हैं तो आप कौन सा कह रहे हैं? असल जो फर्क है वो हमारा कसरत और किल्लत का झगड़ा नहीं है, असली और नकली का फर्क, असली और नकली का फर्क। अहले हदीसों के पास हर रात अल्हम्दुलिल्लाह एक नंबर है जिसकी बेस कुरान और सुन्नत पर है, और तुम्हारे पास जो कुछ है दो नंबर है, वो या तो ख्वाबों पर मबनी है या बुजुर्गों के किस्से और कहानियों पर मबनी है। मैं आखिरी ख्वाब सुनाकर बस करूंगा इंशाल्लाह। ये जो कितने मजाहब हैं जो ख्वाबों पर चल रहे हैं, ख्वाबों, तीन दोस्त थे, मैं लोगों से कहता हूं ख्वाब सुनाने के पर ऐसा सुनाओ ना, तीन दोस्त थे, एक किसान था, एक मौली साहब था और एक मिरासी था। अब ये मुझे नहीं पता कि एक मिरासी का मौलवी से और किसान से मिलाप कैसे हुआ। बारह ये तीनों दोस्त थे, एक दिन मौली साहब को भी कहीं से दावत नहीं आई, बड़ा अरसा हो गया, तो तीनों ने मिलकर कहा यार बड़ा अरसा हो गया हमने खीर नहीं खाया। तो उन्होंने कहा ये कौन सी मुश्किल बात है, बना लेते हैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। किसान ने कहा चावल और चीनी मैं ले आऊंगा, मौली साहब ने कहा चलो दूध मैं कहीं से ले आता हूँ, और मिरासी ने कहा मैं गरीब आदमी हूँ मैं लकड़ियाँ चुन के ले आता हूँ, चलो फिर मिल के बना दें। बात तय हो गई, खीर पक गई, तैयार हो गई, देखचा बन गया। तो किसी ने मौली साहब के कान में आके कहा मौली साहब फलां जगह दावत है, ख़त्म शरीफ भी है, उन्होंने बुलाया और वहाँ माशाल्लाह खीर भी बहुत अच्छा बना है। तो इन्होंने कहा कि अब अगर मैं वहाँ नहीं जाता तो ये लोग नाराज़ हो जाएंगे, आइंदा मुझे बुलाएंगे ही नहीं, तो अब कोई और ये भी अपना पैसा भी लगा है, मेहनत भी लगी है, ये भी खीर नहीं खाते तो ये भी अपना नुकसान है। तो मौली साहब ने कहा यार ऐसा करते हैं, खीर जो है ना ठंडी बड़ी मजा देती है, और उस जमाने में फरिश्ते तो होते नहीं थे, बोले ऊपर कपड़ा बांध के इसको बाहर खुले मैदान में रख देते हैं, औस वोस पड़ेगी सुबह तक बड़ी ठंडी हो जाएगी, तो सुबह खाने में बड़ा मजा आएगा। अब मौली साहब को दावत, और फिर एक बात ये भी तय कर ली कि सुबह उठेंगे और जो बंदा अच्छा ख्वाब सुनाएगा सारी खीर इनाम में उसी को देते जिसका ख्वाब अच्छा होगा। मौली साहब दावत खा के आ गए, ये तो पेट भरा हुआ था, जैसे 4 रुपए मिले थे आंख लग गई। अब किसान भी सारा दिन का थका हुआ था, वो भी आधी रात तक तो करवटें बदलता रहा, आखिर उसकी भी आंख लग गई, बाकी बचा मिरासी। सुबह जब हुई तो मौली साहब भी आ गए, किसान भी आ गए, मिरासी भी आ गए, तो उन्होंने कहा ख्वाब बताओ अपने अपने। तो मिरासी ने कहा मौली साहब आपने कहा भी हैं, पहले आप बताएं। तो मौली साहब ने शुरू किया, मैं जब सोया ना तो मेरे पास दो फरिश्ते आए, एक ने दाएं बगल में हाथ डाला, एक ने बाएं में हाथ डाला, मुझे उड़ा के ले गए, पहले मक्के मदीने की ज़ियारत कराई, फिर जा कर के मुझे जन्नत में छोड़ दिया, वहाँ जन्नत के बागों की मैं सैर कर रहा था।
तो सुभान अल्लाह बड़ा अच्छा खूबसूरत ख्वाब है। हाँ भी किसान तू बता। उसने कहा मैं गौरी साहब इतना नेक तो नहीं हूँ, बस फर्ज नमाजें पढ़ लेता हूँ, मुझे फरिश्तों ने वही फरिश्ते जो आपको जन्नत में छोड़ के आए वो फिर मेरे पास आ गए, उन्होंने मुझे उठाया और मुझे जाकर के मक्के का बैतुल्ला का तवाफ कराया और फिर रोजा रसूल के पास जाके छोड़ दिया विरासत ने का। सुभान अल्लाह बड़ा खूबसूरत ख्वाब है। हाँ भी विरासत तू बता। तो वो ख्वाब बताने से पहले रोने लगा, बड़ा जोर जोर से रोया और रोने वाली शक्ल चेहरा रोने वाला, बोले मैं क्या करूं मेरे गुनाहों की शामत, आप तो नेक आदमी थे, आपको कहां ले गया, कोई कहां ले गया, मेरे पास दो फरिश्ते ऐसे हैं काली शक्लें, ये बड़े बड़े दांत छुरे उनके हाथ में और मुझे आगे उठाया, कहने लगे ये खीर खा वरना तेरा पेट ये खीर खा वरना तेरा पेट पा। मैंने कहा भाई ये हम तीन भाइयों का मिल के मुश्तर का ये बनी हुई खीर है। उनका नहीं खा इसको वरना हम तेरा पेट फाड़ेंगे। तो मौली साहब ने कहा फिर बोले मैंने बस तो और बकर हम बस खाता रहा फिर देखता था वो छुरा लेके फिर खाता था। तो बोले कम वक्त मारा तूने हमें क्यों नहीं जगाया उस वक्त। बोले मैंने बड़ी कोशिश की, तेरी भी चार कोई खाली थी, उसकी भी एक जन्नत में था एक मक्के मदीना में, यहाँ तो कोई था ही नहीं, नए गुनाहगार बच्चा था। भाई अगर खाबों पे रहोगे तो फिर खीर के देखते से मालूम ही हो जाओगे। बात हो दावा नारे